हमारा बलिया जनपद से है, जहां विधानसभा का चुनाव आते ही तमाम दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनलोक विकास पार्टी ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी सलाहकार जेपी वर्मा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। पार्टी के सलाहकार जेपी वर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव में हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। सरकार मुफ्त में राशन, आवास, शौचालय इत्यादि दे रही है, लेकिन जो वाकई में फ्री में देना चाहिए वह नहीं दे रही। जैसे मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था, मुफ्त बिजली नहीं दे पा रही और युवाओं को रोजगार भी नहीं दे पा रही है। जहां युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरकार की एक ही व्यवस्था है, फूट डालकर राज करना चाहती है ताकि गरीब न पढ़ सके न आगे बढ़ सके। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। और हम जेपी वर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ रसड़ा एवं पार्टी के जो है सोखी जनलोक विकास पार्टी के हम इसके सलाहकार हैं। और कहने का मतलब ये कि हम लोग जो पार्टी का निर्माण किए हैं, आज की परिस्थिति में क्या और पार्टियों में चल रहा है उसको देखते हुए इस पार्टी का निर्माण किया गया। हमको तो लड़ते हुए आज 20 वर्ष हो गया। इसी बीच में हमने अनेकों सरकार को भी देखा। सभी सरकारें केवल ये कहती रह गई कि भाई आपका जो जमीन मांग है, लेकिन मांग के प्रति उनकी क्या रुचि है, इस रुचि के संबंध में हम लोगों ने स्वयं सोचा कि भाई हम लोगों की अगर एक अपनी पार्टी हो जाए तो इसके माध्यम से हम अपनी समस्या को वहां पर तक पहुंचा सकते हैं। आपकी पार्टी 2022 में प्रत्याशी उतार रही है जी, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी और क्या क्या मुद्दा है? पहला तो बेरोजगारी, इसलिए कि आज की परिस्थिति क्या है, हमारे जितने नौजुआ पीढ़ी है ये बेरोजगार के शिकार हो गए हैं। जो बाहर में भी 2-4 पैसा कमाते थे वो भी बेचारे आकर के घर पर बैठे हुए हैं। इस परिस्थिति में सबसे पहले जनता से हमारा यही रहेगा, सरकार से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि लोगों को पहले तो रोजगार मिले। इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। अनेक प्रकार की मुद्दे उठ रही है कि किसानों को 2000 रुपया मिलेगा, मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। और पार्टियां अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रही हैं कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में वो देंगे, लेकिन मुख्य समस्या क्या है, बेरोजगारी। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे। इसके तरफ से ध्यान मोड़ करके और जो है सो कि विशेष इन लोगों का मकसद क्या है, मकसद कुल मिलाकर के ये है कि इसमें डिवाइड एंड रूल के तहत फूट डालते रहो और शासन करते रहो ताकि गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए, न इस समाज में उठने लायक रह सके। हमारा मकसद ये रहेगा कि जो हमारी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, ये प्रत्याशी का मुख्य काम यही रहेगा कि सबसे पहले बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी अगर दूर हो जाए उसके बाद में शिक्षा, शिक्षा में ये रहेगा कि भाई सबको फ्री में शिक्षा चाहिए, क्योंकि अटल जी भी ने इसमें कहा था कि मुफ्त में कोई भी चीज़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि उस तरह से लोग हरामखोर हो जाते हैं। देना चाहिए तो शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, न्याय, ये तीन चीज देना चाहिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान कहाँ जा रहा है तो कैसे इन गरीबों के बच्चे बेकार हों ताकि वो न पढ़ सकें न